गाइस तो कैसे हो सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू ईयर के रिवॉर्ड्स के बारे में। बिकॉज यार आप लोगों को पता है कि नया साल तो बहुत ही जल्दी आने वाला है, लेकिन नया साल में हम लोगों को क्या क्या बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। एंड गाइस उसी के साथ साथ बात करने वाले हैं गोल्डन शेड बंडल के बारे में, जो कि हमारे गेम में रिटर्न से आने वाला है। तो उसका क्या सीन होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। एंड गाइस आप लोग बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे, रितेश भाई हम लोग अपने गेम को नहीं खेल पा रहे, यानी कि हमारा गेम ही ओपन नहीं हो रहा है। क्या बात करता है यार। और कई लोग की तो आईडीज बैन हो गई, और इसके पीछे क्या रीजन होने वाला है वो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगा। एंड गाइस आप लोग को एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, बिकॉज यार आप लोग को पता है कि हमारा न्यू मैप आने वाला है, लेकिन गाइस आप लोग को पता है कि उसके अंदर भी आप लोग को कोई रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। तो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कल के डायमंड का विनर आपसे भी में से कौन था। तो भाई लोग मैंने यहाँ पे स्पिन कर दिया है, देखते हैं आप इससे कौन सा लेकिन विनर निकल के आता है। सो गाइस नाम आ चुका है रविंद्र पाधी। तो रविंद्र पाधी भाई जल्दी से अगर मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर दो, अगर आप रियल बंदे तो मैं आपको रिडीम कोड दे दूंगा, आप उसे डायमंड ले लेना। एंड गाइस अगर आप लोग भी ऐसे डायमंड जीतना चाहते हैं वो मैं आप लोग को वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो भाई लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं आईडीज बैन के बारे में, बिकॉज यार इस टाइम गरीना फ्री फायर बहुत सारी आईडीज को बैन कर रहे हैं। तो क्या आपकी भी आईडी बैन हो सकती है? बिकॉज यार आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, और इस वाले पोस्ट को मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे डीएम करके दिया है, और उसका कहना ये है कि जब भी वो गेम को ओपन कर रहा है तो उसके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जा रहा है, और ऐसे पोस्ट मुझे एक दो नहीं बहुत सारे आ चुके हैं। तो गाइस ऐसा लोगों के साथ क्यों हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को याद होगा कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे गेम एक इवेंट आया था जिसका नाम है रैपर इवेंट, और उसके अंदर एक छोटा सा ग्लिच आ गया था जिसके से लोग बहुत सारे डायमंड बिल्कुल फ्री में ले सकते थे, और कई लोगों ने उस ग्लिच का फायदा उठाकर अपनी आईडी में बहुत सारे डायमंड ले लिया, और आज के दिन उनकी आईडी में कुछ ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है जिससे वो गेम को ही ओपन नहीं कर पा रहे, और ये मोस्टली उन्हीं के साथ हो रहा है जिन ने इस ग्लिच का फायदा उठाकर अपने अकाउंट में बहुत सारे डायमंड ले लिए थे। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि आप लोग अपनी आईडी को कैसे सेव कर सकते हो। तो भाई लोग जैसे कि आप लोग ने इस पोस्टर में देखा जिसमें 418 डायमंड का रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, और ये बंदा जैसे 418 डायमंड गरीना को रिटर्न कर देता है तो इसकी आईडी वापस से ओपन हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने ग्लिच का यूज कर बहुत सारे डायमंड अपने अकाउंट में ले लिया है तो आपको उतने ही डायमंड गरीना को वापस से रिटर्न करना पड़ेगा। और कई लोगों ने क्या किया है कि अपने अकाउंट में बहुत सारे डायमंड तो ले लिया है लेकिन यार अभी तक एक भी डायमंड का यूज नहीं किया है, और ये अच्छा काम किया। अगर आपने डायमंड का यूज नहीं किया तो गरीना वाले वो डायमंड वापस से ले लेंगे और आपकी आईडी में डायमंड रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई लोग अब बात कर लेते हैं हमारे न्यू ईयर में मिलने वाले बिल्कुल ही फ्री में रिवॉर्ड्स के बारे में, यानी कि आप लोग को नए साल पे कौन कौन से रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं। एंड गाइस जो भी रिवॉर्ड मैं आप लोग को बताऊंगा ना, सारे के सारे रिवॉर्ड एकदम कन्फर्म होंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई लोग सबसे पहले आप लोग को न्यू ईयर पे मिलने वाला है पूरा का पूरा मैजिक क्यूब। लेकिन यार आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मैजिक क्यूब मिलेगा कल से और कैसे मिलेगा। तो भाई लोग देखो यार, जैसे ही न्यू ईयर आएगा यानी कि 1 जनवरी के दिन आप लोग कोई भी मैच खेलोगे ना, कोई भी मोड में या फिर सीएस मोड या फिर रैंक्ड मोड, तो आप लोग को मैच खेलने के बाद मैजिक क्यूब के ड्रॉप्स देखने को मिल जाएंगे, और हर मैच खेलने पर आप लोग को एक या दो फ्रेगमेंट देखने को मिल जाएंगे जिससे आप लोग आसानी से मैजिक क्यूब एक्सचेंज कर सकते हैं यार। तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस अब आप लोग दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नए साल में हम लोग को ओनली मैजिक क्यूब मिलने वाला है या फिर और भी रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो चलो बात कर लेते हैं सेकंड रिवॉर्ड के बारे में, जो कि आप लोग को न्यू ईयर के दिन बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। एंड गाइस आप लोग को पता है कि जो ये न्यू वाला पैटर्न है यानी कि ये थी पेट आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है न्यू ईयर के दिन, और इस पेट को लेने के लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, ओनली आप लोग को 1 तारीख के दिन गेम में लॉग इन करना है, देन आप लोग को ये वाला पैट बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आप लोग को और भी रिवॉर्ड मिलने वाले हैं न्यू ईयर के दिन, जैसे कि आप लोग को M60 गन की स्किन मिल जाएगी, और साथ ही साथ आप लोग को मिस्टर वेगर की स्किन मिल जाएगी, और हाँ यार पैन की स्क्रीन भी बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगी। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीज दिखाने जा रहा हूँ जो कि अभी तक पूरे यूट्यूब में किसी ने भी नहीं दिखाया है, सबसे पहले मैं ही दिखा रहा हूँ। तो इसी बात पे अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को घंटे ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि यार अब हम लोग जा रहे हैं न्यू वाले मैप में यानी कि एल्पाइन मैप में। मैं जानता हूँ यार ये सुनने के बाद आप लोग भी कुछ इस टाइप से शॉक हो गए होंगे। एंड गाइस अब आप लोग के सामने प्रस्तुत है हमारा न्यू मैप यानी कि एल्पाइन मैप। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा न्यू वाला मैप यानी कि एल्पाइन मैप कैसा होने वाला है। तो लोग देख सकते हो आप लोग सेम टू सेम लॉबी होने वाली है, और साथ ही साथ अब हम लोग गेम में एंटर कर चुके हैं। ओ भाई ये क्या लॉबी है यार, गजब का देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हम लोग केदारनाथ के पहाड़ में घुस गए हैं, और ऐसा लग रहा है मैं बद्रीनाथ में घुस गया हूँ। दूर दूर तक कितने बड़े बड़े पहाड़ है, ऐसा लग रहा है कैलाश पर्वत इन्हीं के बीच में है। और अब हम लोग देखते हैं कि एल्पाइन मैप में कौन कौन सी जगह बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है। एंड गाइस लिटरली एक बात बताना है, तो इसके अंदर आप लोग को बहुत ही अमेजिंग इंटरफेस देखने को मिल रहा है, यानी कि चारों ओर आप लोग को बर्फीला पहाड़ देखने को मिल रहा है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ यार कि आप लोग को ये न्यू वाला मैप यानी कि एल्पाइन मैप कैसा लगा, कमेंट करके जरूर
बताना। और हाँ यार, एक बात और कमेंट करके बताना कि क्या मुझे अल्पाइन मैप एक गेम प्लेइंग की वीडियो लेके आऊं क्या, क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि हमारे सर्वर में जो अल्पाइन मैप है ना वो आने वाला है 1 जनवरी को, यानी कि न्यू ईयर के दिन ही आ जाएगा। एंड गाइस, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि रितेश भाई आप कैसे खेल रहे हो सबसे पहले, तो गाइस आप लोग को बता दूं कि जो अल्पाइन मैप है ना उसको गरीना फ्री फायर ने सबसे पहले पाकिस्तान सर्वर में लॉन्च कर दिया है। एंड गाइस, बात करें कि क्या आप लोग को अल्पाइन मैप जो हमारे सर्वर में लॉन्च होने वाला है तो क्या उसके अंदर भी आप लोग कोई रिवॉर्ड मिलने वाले बिल्कुल ही फ्री में। यार आप लोग को याद होगा कि हमारे गेम में पर्गेटरी मैप आया था तो उसके अंदर भी आप लोग को कई सारे रिवॉर्ड बिल्कुल ही फ्री में दिए गए थे। तो भाई लोग देखो यार, डेटा मैंने तो बता रहे कि आप लोग कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, बाकी यार अभी तक कोई भी चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन यार कोई भी रिवॉर्ड मिलेगा वो तो मैं आप लोग को बता ही दूंगा। तो भाई लोग अब बात करें तुम्हारे गोल्डन शेड बंडल रिटर्न के बारे में, बिकॉज यार आप लोग को पता है कि बहुत सारे ऐसे सर्वर है जहां गरीना फ्री फायर वोटिंग करवा रही है और वोटिंग में ये पूछ रही है कि अगर आप लोग को गोल्डन शेड बंडल चाहिए और वहां के लोग को एक छोटा सा टारगेट दिया गया। अब आप लोग सोच रहे कि कौन सा टारगेट दे दिया गया, तो भाई लोग देखो यार, उनको ये टारगेट दिया गया कि अगर वो लोग इंस्टाग्राम पे, वहां के लोग मतलब फ्री फायर के इंस्टाग्राम पे 1,80,000 फॉलोअर्स कंप्लीट करा देते तो वहां के लोगों को जो है ना गोल्डन शेड बंडल रिटर्न में देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइस हमारे सर्वर का क्या सीन है, क्या हम लोग को भी ये गोल्डन शेड बंडल रिटर्न में देखने को मिल सकता है? तो भाई लोग देखो यार, अभी का सीन ये है कि गरीना फ्री फायर क्या कर रही है ना कि बहुत सारे सर्वर में मतलब वोटिंग करवा रही है और वोटिंग से पहले आप लोगों को एक टारगेट दे दिया। अगर आप लोग टारगेट को हिट करवा दे रहे हो तो आप लोग को जो भी चीज रिटर्न में देखने को मिलने वाला है वो देखने को मिल जा रहा है। एंड गाइस देखो यार, अभी लीक्स आ रही है कि हमारे सर्वर में भी वोटिंग हो सकती है, हो सकते तो हमारे सर्वर में भी मतलब गोल्डन शेड बंडल है ना उसके रिटर्न आने के लिए वोटिंग कराई जा सकती है, बिकॉज यार इसके बहुत ज्यादा लीक्स आ रही है। बाकी आप लोग को क्या लगता है, गोल्डन शेड बंडल हमारे सर्वर में रिटर्न आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? बिकॉज यार ये वाला बंडल हमारे सर्वर में बहुत ही ज्यादा ही रेयर है। तो भाई लोग अब बात कर लेते हैं हमारे गेम में आने वाले नेक्स्ट वेपन रोल के बारे में, एंड उसके बाद बात करेंगे रिडीम कोड के बारे में। तो भाई लोग देखो यार, आप लोग को स्क्रीन पे जो ये यूजी की गन की स्किन देखने को मिल रही है ना, ये हमारे नेक्स्ट वेपन रोल की गन की स्किन है। और बात करें इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में तो आप लोग देख ही सकते हो, जहां पर दिखाया गया आप लोग को इसमें डबल मैगजीन देखने को मिलती है और सिंगल आप लोग को रिलोडिंग स्पीड देखने को मिलती है। और हाँ यार, एक्यूरेसी को घटा दिया गया है, बाकी यार यही चीज खराब है, बाकी मतलब कमाल की गन लग रही है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं रिडीम कोड के बारे में, बिकॉज यार आप लोग को पता है कि हमारे गेम में फ्री फायर प्रो लीग का टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज यार 24 तारीख को रजिस्ट्रेशन फाइनल था और हो चुका है वो। और अब बात करते हैं कि टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया है और रिडीम कोड कब देखने को मिलेगा, बिकॉज यार आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि पूरे जो प्रो लीग के जो 12 टीम्स हैं वो फाइनल हो चुके हैं। एंड गाइस बात करें रिडीम कोड के बारे में तो मुझे तो लगता है ग्रैंड फाइनल में रिडीम कोड देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस अगर रिडीम कोड पहले भी देखने को मिलता है, यानी कि हर डे मैच में भी अगर रिडीम कोड देखने को मिलता है, तो मैं आप लोग को सबसे पहले प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे को ऑल पे प्रेस जरूर कर देना है। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं कि आप लोग हमारे गिवअवे में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो गाइस आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने गेम की यूआईडी डालनी है और साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम की आईडी डालनी है, ताकि अगर आप लोग विनर बनते हो जिससे मैं आप लोग को रिडीम कोड दे सकूं। एंड गाइस आप लोग को एक चीज बताना तो मैं भूल ही गया, बिकॉज यार आज के दिन क्रिसमस डे और मैंने अभी तक किसी को भी विश नहीं किया, माफ करना यार। तो सभी के लिए मैरी मैरी क्रिसमस। और हां यार, सभी को एक चीज कमेंट करके जरूर बताना कि आज के दिन आप लोग क्या करने वाले हो, यानी कि आप लोग आज के दिन कहां का घूमने जाने वाले। बिकॉज यार मैं अभी जा रहा हूं, इस वीडियो को बनाते जाऊंगा मॉल में घूमने, बिकॉज यार मॉल को काफी ज्यादा खूबसूरत सजा रखा है। बाकी आज के दिन आप लोग क्या स्पेशल करने वाले हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना यार। एंड गाइस वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर जरूर करना गाइस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।